पति सच पूछो तो ये ऐसी मंजिल है, जिसने इस पर अमल किया है वो इंसान आकिल है। लेकिन इसको समझेगा वो शख्स जो अहले दिल है। ये बच्चों का खेल नहीं, अजी ये बच्चों का खेल नहीं, ये राज बहुत मुश्किल है। मुँह पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। रंगे मुप चढ़ गया रंगे, मुप चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। ये रंग जिस पर भी चढ़ता है समझो वो पार उतरता है। रंगे मुप चढ़ गया रंगे, मुप चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। इस रंग में इतनी खूबी है क्योंकि ये रंग जाने महबूबी है। समाज फरमाएगा अल्लाह कहता है अपने बंदों को, ये रंग उसी पर चढ़ता है मेरे दोस्त जो चाहता है कि ये रंग मुझ पर चढ़ जाए, तभी अल्लाह उसकी मदद भी करता है। देखिए जिस इंसान पर रंगे इल्लल्लाह चढ़ जाए तो वो सोते जागते उठते बैठते बस अल्लाह ही का नाम लेगा। समाज फरमाइए कैसे लेगा। खाना खाऊं तो बोलूं मैं पहले बिस्मिल्लाह, शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है अल्लाह। किसी हसीन शय को देखूं कहूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुश्किल वक्त पड़े तो बोलूं, मुश्किल वक्त पड़े तो बोलूं कर दे करम अल्लाह। गया रंगे मुप चढ़ गया रंगे, मुप चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। मुप चढ़ गया रंगे, मुप चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। वलियों की सोहबत में ये रंग और निखरता है। समाज में एक कहावत है कि बुजुर्गों के साथ बैठो तुम्हें खुदा मिल जाएगा, उसी को सामने रखकर मैंने शेर कहा है। समाज फरमाइएगा वलियों की सोहबत में ये रंग और निखरता है, ये रंग और निखरता है, ये रंग और निखरता है। दुनिया संवरती है उसकी और उकबा संवरता है, और उकबा संवरता है, और उकबा।
भी आया है। मुँह पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। वलियों की सोहबत में ये रंग और समरता है, कैसे समा समाएगा? अब्दुल कादिर जीलानी को ये रंग सबसे प्यारा था, ये रंग सबसे प्यारा था, ये रंग सबसे प्यारा था। इल्लल्ला का रंग तो मेरे ख्वाजा पिया का सहारा था, ख्वाजा पिया का सहारा था, ख्वाजा पिया का सहारा था। इसी रंग में डूबे हुए थे मेरे निजामुद्दीन, इसी रंग में डूबे हुए थे मेरे निजामुद्दीन। अरे देवा के वारिस पिया और साबिर अलाउद्दीन, देवा के वारिस पिया और साबिर अलाउद्दीन। किसी रंग में रंगे हुए थे बाबा फरीदुद्दीन, चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। और समाज फरमाइएगा रंगे इल्लल्ला सहाबा में कैसे चढ़ता है, समाज फरमाइए। अबू बकर सिद्दीक भी थे इस रंग में सबसे बराबर, चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला। एक छोटा सा वाक्य पेश कर रहा हूँ, समा समझिएगा। शायद कव्वाली की दुनिया में ये पहला वाक्य होगा जो महमूद गजनवी का वाक्य। गजनी एक ऐसी जगह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड अगर कहीं पड़ती है तो वो गजनी है मेरे दोस्त। समा समाइए, इल्लल्ला से मुनासबत दे रहा हूँ। गजनी के बादशाह थे महमूद गजनवी। जब एक दिन आप नमाज पढ़ने घर से निकलते हैं तो रास्ते में एक हादसा होता है उनके साथ। समा समाइए क्या हादसा होता है।
गजनी में ठंड इस कदर पड़ती है दोस्तों। महमूद गजनवी का ये वाकया सुनो, निकले नमाज पढ़ने को जब घर से बादशाह, उस दिन तो रास्ते का ही मंजर अजीब था। मस्जिद की सिमत जैसे ही वो बादशाह पढ़े, रास्ते में एक बाबा थे नंगे खड़े हुए, निगाह से मंजर ये देख के, ये बरहना है कैसे सर्दी है इस कदर, ये बरहना है कैसे सर्दी है इस कदर। समाज समझिएगा, जब बादशाह मस्जिद की ओर जाते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बाबा बिल्कुल नंगे मादरजात खड़े हैं बरहना उस गजनी के ठंड में। समाज समझ में बादशाह हैरत से देखता है उस फकीर को और फिर देखिए क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। रास्ते में एक बाबा थे नंगे खड़े हुए, हैरत हुई निगाह से मंजर ये देख कर, ये बरहना है कैसे सर्दी है इस कदर। पढ़कर नमाज लौटे जो महमूद गजनवी, उस रात बादशाह की तो नींद उड़ गई, बिस्तर पे लेटे लेटे वो ये सोचने लगे कैसे वो बाबा है वहाँ नंगे खड़े हुए, कैसे वो बाबा है वहाँ नंगे खड़े हुए। फौरन ही बादशाह ने बुलाया वजीर को और बाबा की कहानी बताया वजीर को, और हुक्म ये दिया के फौरन ही जाओ तुम, बाबा को अपने साथ में इज्जत से लाओ तुम, बाबा को अपने साथ में इज्जत से लाओ तुम। वजीर को कहता है बादशाह के जाओ, मैं जानता हूँ बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, उन्हें इज्जत से लेकर आओ। देखिए वजीर जाता है बाबा के पास तो बाबा मुस्कुराते हैं वजीर को देखकर, समाप्त कीजिएगा क्या होता है इसके बाद। पहुँचा वजीर देखा तो वो बेलिबास थे, मस्जिद के रास्ते में थे नंगे खड़े हुए, बोला वजीर बाबा से चलिए हमारे साथ, ये हुक्म बादशाह है रख लीजिए ये बात, ये हुक्म बादशाह है रख लीजिए ये बात। देखिए वजीर कहता है कि बाबा खुदा के वास्ते आप चलिए, बादशाह को नींद उड़ गई है बादशाह की जिस वक्त से आपको देखा है। तो देखिए बाबा क्या कहते हैं, सुनकर वो मुस्कुराने लगे फिर कहा सुनो, जो हुक्म बादशाह है बेखौफ तुम कहो, मैं जानता था मुझको बुलाएंगे बादशाह, जो दिल में उनके है वो बताएंगे बादशाह। आया वजीर लेकर बाबा को साथ में, और बादशाह को नींद कहाँ आई रात में, और बादशाह को नींद कहाँ आई रात में। महमूद गजनवी ने किया बाबा से सवाल, ये राज क्या है कैसे करते हैं ये कमाल, गजनी के इतने ठंड को सहते हैं कैसे आप, बिल्कुल बेरहना सर्दी को सहते हैं कैसे आप, बिल्कुल बेरहना सर्दी को सहते हैं कैसे आप। बादशाह कहता है कि बाबा गजनी में दुनिया का सबसे मशहूर ठंड का शहर है, हम लोग इतना मोटा मोटा कोट पहन कर नमाज पढ़ते हैं मगर फिर भी सर्दी लगती है, आप तो बिल्कुल बेरहना है, नंगे मादरजात खड़े हैं, कैसे
रहते हैं, तो समाज फरमाइएगा बाबा का जवाब क्या कहते हैं। बाबा बाबा बादशाह से कहते हैं कि बेटा बेटा ये अंधों का शहर है, बेटा ये अंधों का शहर है, यहाँ आँख वाला तो कोई नहीं है, हर शख्स पढ़ रहा है बड़े शौक से नमाज, मगर इनमें अल्लाह वाला कोई नहीं है। देखिए बाबा कहते हैं कि यहाँ बेटा सभी नमाज पढ़ते हैं मगर अल्लाह वाला कोई नहीं है। फिर बाबा कहते हैं समाज पड़ेगा चार मित्र आखिरी के, मेरे पे रहना रहने पे हैरत है क्यों तुझे, चढ़ गया रंगे मुफ चढ़ गया रंगे इल्लल्ला, देखिए बाबा कहते हैं कि बेटा इस अल्लाह की याद में वो गर्मी है, खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ खड़ा हूँ सर्दी में के गर्मी में, मैंने तो लौ लगा लिया परवरदिगार से। समाज फरमाएगा एक इल्लल्लाह का रंग और अल्लाह किस पे चढ़ाता है, एक बादशाह के घर में चोर घुसता है, समाज फरमाइए क्या होता है। एक बादशाह के घर में एक चोर आ गया, एक बादशाह के घर में एक चोर आ गया, और आके बादशाह के कमरे में छुप गया, फिर रात हुई सोने को जब आए बादशाह, एक चोर अंदर है उन्हें कुछ भी पता न था, इतने में उनकी बेगम भी कमरे में आ गई और आके बादशाह से वो बोलने लगी, लड़की जवान हो गई कुछ कीजिए हुजूर, लड़की जवान हो गई कुछ कीजिए हुजूर, दामन खुशी से बेटी का भर दीजिए तो बेशुमार है पर एक है लड़की, अल्लाह के करम से बहुत नेक है लड़की, दामाद ऐसा ढूंढिए जो हो वो नेक नाम, दामाद ऐसा ढूंढिए जो हो वो नेक नाम, दुनिया का नहीं बल्कि हो कर कहा ये बीवी से उस बादशाह ने, तरकीब एक आई है मेरे दिमाग में, पूरा महीना मस्जिद में जो शख्स आएगा हर रात तहज्जुद में अपना सर झुकाएगा, उसको मैं बेटी दूंगा जिसे रब से प्यार हो, उसको मैं गाना के अलावा तहज्जुद गुजार हो, गाना के अलावा तहज्जुद गुजार हो, बीवी ने कहा ठीक है कर दीजिए ऐलान, मस्जिद के पेश इमाम को दे दीजिए बयान, दोनों की बात सुन ली उस चोर ने वहां,
चाह के एक महीने की तो बात है मियाँ, फिर उसके बाद सल्तनत ये जितनी सारी है। शाहजादी भी सब कुछ हमारी है, दौलत भी शाहजादी भी सब कुछ हमारी है। उस चोर ने शुरू किया उस दिन से ही नमाज, उस चोर ने शुरू किया उस दिन से ही नमाज। उसको भी ये पता न था अल्लाह का ये राज, उसको भी ये की भी छोड़ी नहीं नमाज। अब वक्त आ गया था उसके इम्तिहान का, अब देखिए तमाशा कुदरत की शान का, अब देखिए तमाशा कुदरत की शान का। अल्लाह को जो भी जिस पर भी ये रंग चढ़ाना होता है खुदा की कसम वो चढ़ा देता है। कैसे एक चोर देखिए चोरी करने के ख्याल से गया था, मगर देखिए लौटा तो अली हो गया। समाज फरमाइए क्या होता है इसके बाद। आया तो बादशाह ने किया उसका एहतराम, आया तो बादशाह ने किया उसका एहतराम। दामाद आपको मैं बनाता हूँ नेक नाम, थी मुझे दौलत की बाखुदा, पहले तलाश थी मुझे दौलत की बाखुदा। अब क्या करूंगा लेके मैं ये सारी सल्तनत, अब क्या करूंगा लेके मैं ये सारी सल्तनत। मैं जानता हूँ तेरी ये फानी है दौलत, चढ़ गया रंगे मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला, चढ़ गया रंगे इल्लल्ला, मुँह पे चढ़ गया रंगे इल्लल्ला, चढ़ गया रंगे। समाज फरमाएगा आखिरी में शहादत का बंद है, पूरा करबला का मंजर पेश कर रहा हूँ, रंगे इल्लल्ला से मुनासिबत है इसका। समाज कीजिएगा आखिरी बंद। थे तो बहत्तर बहत्तर थे तो बहत्तर, बहत्तर थे तो बहत्तर, बहत्तर थे तो बहत्तर, थे तो बहत्तर लेकिन सबके सब रंगे थे इस रंग में, और जंगे बदर में सारे मिले थे इस रंग में, सारे मिले थे इस रंग में, सारे मिले थे इस रंग में। इसी रंग में डूबा हुआ था इन लोगों का घर, इन लोगों का घर, इन लोगों का घर, और इसी रंग में डूबी हुई थी जहरा की चादर, जहरा की चादर, रंग में डूबा हुआ अब्बास का परचम लहराया, अब्बास का परचम लहराया, अब्बास का परचम लहराया, और इसी रंग में डूब के ये, इसी रंग में डूब के ये हो
और शहीद हुसैन ने फरमाया मुँह पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे, मुँह पे चढ़ गया रंगे, इल्लल्ला।